हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। माय नेम इज सुधांशु। तो भाई नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो भाई आज की वीडियो में अपन बात करेंगे प्रोटीन की। तो भाई एक प्रोटीन भेजा है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये प्रोटीन भेजा है, प्लांट प्रोटीन है भाई। तो भाई ये मेरे घर में भाई 10-15 दिन पहले ही आ गया था, बट मैं सोचता पहले मैं टेस्ट करूँ, फिर इसका मतलब देखूँ कि मुझे इसके प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कुछ, और इसके मुझे क्या मतलब इसका टेस्ट फ्लेवर कैसा लगा, मैं सब पहले सोचता पहले अपने टेस्ट करके देख लूँ कि ये सही है कि नहीं, फिर आप लोगों को बताता हूँ। तो भाई ये जो प्लांट प्रोटीन है, तो भाई मेरे पास आया थे 470 ग्राम का आया था मेरे पास ये प्रोटीन। ये मेरे पास 12-13-14 तारीख को आ गया था, शायद 14 को आ गया शायद मेरे पास ये। तो भाई तो इस प्लांट प्रोटीन में मेरे को बहुत एक चीज़ सही लगी है भाई, कि ये सब लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो प्लांट प्रोटीन में ये रहता है कि मतलब सब ये बोलते हैं प्रोटीन खाने से होता है वो होता है, तो भाई मेरा ये कहने का है प्रोटीन खाने से कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जा रहे हैं तो ही प्रोटीन इनटेक करें। आप डेली लाइफ में भी कुछ कुछ लोग का रहता है कि वो खाना में पूरा नहीं हो पाता प्रोटीन इनटेक, तो भाई मैं बोलूँगा कि प्रोटीन यूज़ करें। प्रोटीन अपने मतलब डेली लाइफ में थोड़ा, अगर आपकी डाइट अच्छी है मतलब आपका खाना पीना बहुत सही हो रहा है, प्रोटीन है आपके खाने में, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं प्रोटीन लेने की। बट अगर आपके खाने में प्रोटीन इंटेक बहुत ही कम है, मतलब 10 ग्राम है भाई, 10 ग्राम प्रोटीन कुछ भी नहीं होता है भाई। कम से कम अपने बॉडी वेट के हिसाब जितना आपका 50 बॉडी वेट है, तो 50 ग्राम कम से कम आप प्रोटीन डेली लें। 100% कम्प्लीट प्लांट प्रोटीन है। तो भाई इसका ब्राउन राइस और पीस प्रोटीन का है, जैसे जो हरे चने रहते हैं वो और ब्राउन राइस का प्रोटीन दोनों को मिक्स करके प्रोटीन बनाया गया है। तो भाई ये प्रोटीन बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ कुछ लोग वेगन होते हैं, जो वेगन जैसे दूध का आइटम मतलब मिल्क का आइटम बिल्कुल जितना भी रहता है मतलब डेयरी प्रोडक्ट वो यूज़ ही नहीं करते, डेयरी प्रोडक्ट उनका ये रहता है कि मेरे को डेयरी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना, तो उनके लिए बेस्ट प्रोटीन हो सकता है क्योंकि ये प्लांट प्रोटीन है, इसमें कोई भी डेयरी प्रोडक्ट यूज़ नहीं होता है। तो भाई वन स्कूप में इसके 31 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, ये बहुत अच्छे है। BCAA 6 ग्राम और ग्लूटामाइन 6 ग्राम मिल जाते हैं। ये 10 सर्विंग का बॉक्स है, और ये देखिए इसमें ये स्कूप मिला है, आप इसके 2 स्कूप लेंगे 500 ml वाटर के साथ। इसको इसकी थोड़ी मिक्सिबिलिटी थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि ये प्लांट प्रोटीन है। अगर ये मिल्क डेयरी प्रोडक्ट मतलब मिल्क प्रोटीन होता तो वे प्रोटीन होता तो इसको मिक्स होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको बाकी, पर ये प्लांट प्रोटीन है तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है मिक्स होने में, थोड़ा सा टाइम लग गया मिक्स होने में, मिक्सिबिलिटी इसकी थोड़ी स्लो है। बट इसका टेस्ट मुझे थोड़ा सा बेकार तो नहीं बोलूँगा, बट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पूरा इसमें प्लांटी का टेस्ट आ रहा था, मतलब जैसा बीन्स का होता है ना वैसे ही आ रहा था, और जैसे हरे मटर रहते हैं तो उनका आ रहा था टेस्ट मुझे, तो मुझे वो ठीक लगा। 1-2 दिन अजीब लग रहा था, बाकी फिर मैंने 2-3 दिन लिया तो फिर मुझे कोई इतना बेकार नहीं लग रहा, अब नॉर्मल लग रहा है मेरे को। और रही बात भाई इसमें तो यार इसमें कम्प्लीटली अमीनो एसिड है, पर थोड़े से कम, मतलब कि जो वे प्रोटीन होता है वो प्लांट प्रोटीन नहीं, जो वे प्रोटीन होता है मिल्क वाला, तो भाई वो जो रहता है उसमें थोड़ा अमीनो एसिड ज़्यादा रहते हैं, बट इसमें अमीनो एसिड थोड़े से कम है, उतने भी नहीं पर थोड़े से कम है, तो वो भाई उतना मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। और भाई इसके बेनिफिट्स में ये है कि मसल बिल्ड एंड रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है, और मसल मास एंड स्ट्रेंथ, अगर मान लो पावर लिफ्टर, जैसे मैं पावर लिफ्टर हुए तो भाई पावर लिफ्टिंग के लिए मसल मास और स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा प्रोटीन है ये। और रही बात भाई आप इसको डेली यूज में भी इसको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि यार कोई जिम जाता हो या कुछ वॉक करते भाई कि कोई भी ले सकता है इसको प्रोटीन को, ऐसा नहीं कि भाई मैं बस जो जिम जा रहे हैं बस वही प्रोटीन खाते हैं, ऐसा नहीं है भाई, नॉर्मल अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन, क्योंकि कभी कभी अपन ऑफिस लाइफ ऑफिस कॉलेज स्कूल लाइफ में ये रहता है कि यार प्रोटीन टेक पूरा नहीं होता है भाई, खाना अपन एक जो 3 बार खाना रहता है तो एक ही बार खाना खा पाते हैं दिन में, तो भाई इसका एक स्कूप ले लो, 1-2 स्कूप डाल लिए अपना 1-2 मील अपनी कवर हो जाएगी।
तो गाइस अपन आ जाते हैं इसके एमआरपी में। तो भाई इसका एमआरपी है 1399। 1399 मतलब 1400 रुपये का है समझ लो। तो भाई अभी तो डील चल रही है बहुत सारी, तो आपको 1000 रुपये के आसपास ही पड़ जाएगा इसका आधा किलो का बॉक्स। और मेरा कूपन कोड है भाई, मेरा कूपन कोड यूज़ करना मत भूलना, SU आपको यहीं कहीं दिख जाएगा वो थोड़ा कूपन कोड आपको यहीं कहीं दिख जाएगा स्क्रीन में। तो एक बार कूपन कोड यूज करके देखना, 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 10%। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर चेकआउट जरूर करो। और भाई एक बार छोटा ही बॉक्स लेके ट्राई कर लो, पर एक बार ट्राई करो कि प्लांट प्रोटीन रहता कैसा है। और दूसरी वीडियोज भी आती रहेंगी भाई, आज के लिए बस इतना ही। दूसरी वीडियोस भी आती रहेंगी, जैसे अब इसके बाद मैं आरजीवी स्टेट में क्या होगा मेरे साथ, जो भी मतलब मेरे साथ क्या मतलब क्या क्या हुआ आरजीवी स्टेट में, तो मैं उसकी वीडियोस भी डालूंगा। इसके बाद ही आएगी, एक दिन के बाद ही जाएगी शायद वो वीडियो, मैंने शूट कर ही लिया है, बस उसको डालना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।